दिल्ली में हाल के दिनों में जो एक्सटॉर्शन की और फायरिंग की इंसिडेंट हुई हैं, उसके रिगार्डिंग स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने विशेष ऑपरेशन चलाया, स्पेशल ड्राइव। उसके अंतर्गत पिछले कुछ दिनों में 5 ऑपरेशन चले हैं। इन 5 ऑपरेशंस के अंदर टोटल 16 पर्संस गैंगस्टर्स अरेस्ट किए गए हैं, और जिसमें 10 पिस्टल, 56 राउंड और एक मैगजीन रिकवर हुई है। ये कंप्लीट जो ऑपरेशन है, इनमें एक ऑपरेशन 15 तारीख का है, 15 जून का। इसके अलावा रिमेनिंग जो 4 ऑपरेशन है, पिछले 1 या 2 दिन के ही हैं ये सारे ऑपरेशंस। और इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से गैंगस्टर्स के मैसेज आ रहे हैं, या वो अपने फैन फॉलोइंग उन्होंने बना रखी है, जिसके बहुत से यूथ वगैरह उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ग्लैमराइज वो वीडियो पिक्चर डालते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उसको देखते हुए हमने काफ़ी स्पेशल सेल की तरफ से भी काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवाए गए हैं और उनको बैन करवाया गया, बंद करवाया है उनको। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिस तरह से ग्लैमराइज किया जाता है क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर को, बहुत सारे यूथ जो कम एज के होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ, और धीरे धीरे न चाहते हुए भी वो क्राइम की तरफ उनका इंटेंशन हो जाता है। इस बात को देखते हुए इस बार की जो प्रेस रिलीज और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसके अंदर हम न तो गैंग्स के नाम दे रहे हैं और न ही जो एक्यूज हैं गैंगस्टर हैं उनके नाम दिए जा रहे हैं। नो नेम नो फेम को हम फॉलो कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आपको एक्यूज की डिटेल नंबर के हिसाब से देंगे कि कहाँ कौन से एक्यूज, कहाँ हमारे ऑपरेशन चले, वो डिटेल दी जाएगी, लेकिन न तो गैंगस्टर्स के नाम बताए जाएंगे और न ही उनके गैंग्स के नाम बताए जाएंगे। ये एक शुरुआत की जा रही है इसके अंदर। और मीडिया से भी मैं अपील करूंगा, आप भी अपने माध्यम से, यूथ से अपील करें कि जो गैंगस्टर्स और जो अपने ग्लैमर फोटो और वीडियो डाल के ग्लैमराइज करते हैं क्राइम को, उस चीज को डिमोटिवेट किया जाए सोसाइटी के अंदर और उनको फॉलो न किया जाए, क्योंकि क्राइम का रास्ता कहीं पे भी यूथ को नहीं लेके जाएगा, अल्टीमेटली डार्क स्टेट के अंदर ही उनको लेके जाता है, तो उसको फॉलो न करें यूथ। ये मैं अपील करना चाहूंगा। अब मैं आपको ऑपरेशन की इसके अंदर डिटेल देना चाहूंगा। ये 21 तारीख को चला है ये ऑपरेशन, 21 जून को। इसके अंदर 2 गैंग मेंबर, जिनमें एक लेडी भी है, इनको जालंधर पंजाब के अंदर ऑपरेशन चलाया गया, और जालंधर पंजाब से इनको पकड़ा गया है, और इन्हीं के इंस्टांस के ऊपर फर्दर कश्मीरी गेट से 3 नए रिक्रूट जो हो रहे थे उनको भी इसके अंदर पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया 21 की नाइट को इनके इंस्टांस के ऊपर। टोटल इसके अंदर जो रिकवरी हुई है 1 पिस्टल की, 5 राउंड एक पर्सन के साथ मिले जो कश्मीरी गेट से मिला था, दूसरे से 1 कट्टा 2 राउंड मिले हैं, और एक मैगजीन और 5 राउंड तीसरे पर्सन से मिले हैं। इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ये फ्रेश थे, इनकी नए रिक्रूट थे ये गैंग के लिए। जो ऑपरेशन नंबर 2, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, ऑपरेशन नंबर 2 19 तारीख से चला था, 19 जून और 20 जून, 2 दिन ये ऑपरेशन चला है। इस ऑपरेशन के अंदर शामला से एक पर्सन को, गैंग मेंबर को अरेस्ट किया गया था, और ये गैंग मेंबर जो बल्लू बलवान का मर्डर हुआ था फरीदाबाद के अंदर, उसके अंदर वॉन्टेड था। उसके अंदर जो बल्लू बलवान, जो खुद भी पहले गैंगस्टर रहा था, एक केस के अंदर विटनेस भी था वो, उसके मर्डर के अंदर वॉन्टेड पर्सन को हमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा 2 और गैंगस्टर अरेस्ट किए गए हैं, जो द्वारका मोड़ से अरेस्ट किए गए हैं। और इसके अंदर जो ये गैंगस्टर 2 द्वारका मोड़ से हमने अरेस्ट किए हैं, ये लोग मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर इनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है। ऑपरेशन नंबर तीन 21 जून को नाइट के अंदर हुआ है। इसके अंदर 5 गैंग मेंबर्स अरेस्ट किए गए हैं, जो बुराड़ी दिल्ली से अरेस्ट किए गए हैं, और इनसे जो टोटल रिकवरी हुई है 4 पिस्टल और 30 राउंड्स की हमने रिकवरी की है। इसके अंदर जो थे एक पर्सन को छोड़ के रिमेनिंग 4 जो थे, उन सबकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, और उनमें से 2 वांटेड भी हैं। इनके अंदर जो वांटेड था, एक 307 के अंदर रेवाड़ी के 2022 के केस के अंदर वांटेड था, और सेकंड सेक्टर 5 रोहिणी के अंदर एक एक्सटॉर्शन के अंदर फायरिंग हुई थी, फरवरी 2024 की इंसिडेंट है, उसके अंदर वो पर्सन वॉन्टेड था जिसको हमने अरेस्ट किया है ऑपरेशन 3 में। ऑपरेशन 4 जो है वो 15 जून का ऑपरेशन है, जो उन्होंने बताया इस कड़ी का सबसे पहला ऑपरेशन है। उस ऑपरेशन के अंदर जो अरेस्ट किया गया है वो सेक्टर 8 फरीदाबाद से किया गया है, और इस पर्सन से हमको 1 पिस्टल और 5 राउंड मिले हैं, और ये फतेहपुर बेरी के अंदर 307 के अंदर वांटेड था। इस 307 के अंदर एक क्लब ओनर के ऊपर फायरिंग की गई थी, जो 307 का मुकदमा दर्ज है 2023 के अंदर। और इसके अलावा गुड़गांव के सेक्टर 31 के अंदर भी रॉबरी के अंदर एक्यूज वांटेड था गैंगस्टर। ऑपरेशन नंबर 5 है वो 21 तारीख का ऑपरेशन है। इसके अंदर 2 नए रिक्रूट को अरेस्ट किया गया है, जिनकी 19 ईयर्स एज थी। द्वारका मोड़ से इनको पकड़ा गया है, और इनके पास से 2 पिस्टल और 4 राउंड मिले हैं।